hi guys i hope you all are doing very well guys in this video i am going to tell you how you should apply for a remote based exam so all the steps required all the necessary things things that you should know before you apply for a remote based exam you will get everything in this video so stay tuned till the last so firstly i would like to tell you that if you have an option to go for a center-based exam, then you should never appear for a remote-based exam. Because from past, um, from past four five months, I have seen a lot of students who have applied for remote-based exams and their exams got cancelled or their exams got postponed. So, which is not a, a good thing for you. Because if you have prepared for an exam and on the exam date you come to know that an exam is postponed, then of course it, uh, it, it demotivates you. It's a point of demotivation. So, if you have an option to go for a center-based exam, then you should always select that. Okay. And if not, then you should apply for a remote-based exam. So let's start this video. Guys, if you like the video, please subscribe to my channel and share this video and hit the like button. So let's start. So firstly, this is the link from where you can get everything regarding to me exams, kaise book karana, exams killing, kya kya and lot more things I'll tell you. So, this link hai, I have provided uh, this link in the description as well. You can click on that once if, if you are planning to book your exam. So, when I click on this, I'll show you. I am redirected to this page. So, this is a page. This is before you book. Here, you get everything that you should know for booking your exam, remote-based exam. सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है दैट इज बिफोर बुकिंग योर रिमोट बेस एग्जाम तुम्हें यह चेक करना है कि तुम्हारा जो सिस्टम है क्या वो एडिक्वेट है एग्जाम देने के लिए और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यू विल हैव टू चेक द मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो तुम्हें इस पेज पे मिल जाएगी सो so, तुम्हें क्या करना है इस पर क्लिक करना है जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा एंड इन दिस इफ यू वॉन्ट टू गेट रीड इन डिटेल सो यहां पे एक ऑप्शन है मिनिमम टेक्निकल रिक्वायरमेंट इन फुल जस्ट क्लिक ऑन दिस एक फाइल डाउनलोड होगी एंड वेन यू ओपन दैट फाइल यू विल सी ये हमारे को सारी डिटेल दी हुई है कि हमारे को मिनिमम सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए जैसे वेब कैम माइक्रोफोन होना चाहिए ब्राउज़र हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं ठीक है हमारा सिस्टम कौन सा होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट को बहुत 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 ध्यान से पढ़ना क्यों क्योंकि अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा और विदाउट रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट तुमने एग्जाम बुक करा दिया और पता लगा कि सिस्टम तुम्हारा मेंटेन नहीं है सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही तो तुम्हारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर एग्जाम ठीक है तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है विंडोज 10 इज रिक्वायर्ड अगर विंडोज़ 10 है तभी तुम एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन अदरवाइज इफ़ यू हैव विंडोज़ 8, 7, विस्ता और एक्सपी वीज आर नॉट सपोर्टेड फॉर एग्जाम डिलीवरी यहां पे हम एग्जाम्स नहीं दे सकते है. ठीक है ये बहुत 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 ध्यान से इसको एक बार पढ़ लेना द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि यहां पे सेम पेज पे जैसे वहां पे हमने चेक किया था चेक मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेकेंड चीज जो हमें चेक करनी है वो है व्यू योर आर गाइड ऑन हाउ टू सेटअप योर डेस्क और रूम ये इसलिए है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं बहुत सारे बच्चे जब रिमोट एग्जाम देते हैं वो क्या सोचते हैं कि चलो हम छुपा के कहीं पे मोबाइल फ़ोन रख लेंगे या कुछ भी ऐसा सोचते हैं कुछ बच्चे सोचते हैं इन्हों सो so, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो तुम्हें चेक करना है अपना मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आफ्टर दैट तुम यहाँ पे जाओगे व्यू आर गाइड ऑन हाउ टू सेटअप योर डेस्क एन रूम वेन यू क्लिक ऑन दिस अगेन एक फाइल डाउनलोड होगी उसको ओपन करोगे तो इस फाइल में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिस्टम कैसा होना चाहिए क्या चीज होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए ठीक है कैलकुलेटर तुम्हारा जो नॉलेज लेवल है उसमें तुम्हारा कैलकुलेटर नॉर्मल चलता है साइंटिफिक नहीं चलता एंड तुम्हारा और कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए ऐसा नहीं है तो मोबाइल या कुछ ऐसा कैलकुलेटर uh, दिखा दो कि मैं तो मोबाइल पे कैलकुलेशन करूंगा इट्स नॉट अलाउड यू शुड हैव अ स्पेसिफिक कैलकुलेटर नॉट साइंटिफिक फॉर एफ एग्जाम या बेसिकली नॉलेज लेवल ठीक है इसको भी एक बार पढ़ लेना जैसे तुम्हारा जो रूम है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए क्या क्या नहीं होनी चाहिए जैसे यहाँ पे लोग नहीं होने चाहिए टी ऑन नहीं होनी चाहिए विंडोज ओपन नहीं होनी चाहिए कोई ऐसा बोर्ड या कुछ नहीं लगा होना चाहिए तुम्हारे टेबल पे अलग कोई पीसी मोबाइल बुक्स कुछ भी नहीं होनी चाहिए तो एक बार इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लेना इन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं हमें यहाँ पे कि क्या चीज अलाउड है क्या नहीं है ठीक है तो व्हाट विल हैपन जो इन्विजिलेटर है जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो रहा होगा एग्ज़ाम से पहले द प्रॉक्टर द इन्विजिलेटर विल आस्क यू टू गिव हिम द पिक्चर्स या शो हिम द रूम तो जब तुम उसको रूम शो करोगे तो वो तुम्हें बोलेगा रूम शो करो तो तुम्हें पूरा रूम प्रॉपर शो करना पड़ेगा ऐसे नहीं शो करना कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा शो कर दो बेवकूफ बनाने के लिए कभी नहीं करना वी हैव टू बी वेरी जेन्युन पूरा प्रॉपर उसको शो करेंगे कि हमारा सिस्टम आगे से कैसा है पीछे से कैसा है दोनों साइड से कैसा है वो पूरा थ्री डिग्रीज में तुम्हारा रूम और सिस्टम के आसपास सारी चीज़ें चेक करेगा बेसिकली कि तुम चीटिंग ना करो ठीक है ये सारी चीजें होने के बाद सब कुछ पढ़ने के बाद नाउ इफ यू फील लाइक हा आई शुड गो फॉर अ रिमोट बेस एग्जाम देन अगेन इन दि सेम लिंक यहां पे फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज चेक अवेलेबिलिटी क्लिक ऑन दिस एग्जाम अवेलेबिलिटी एंड बुकिंग पेज व्हेन यू क्लिक ऑन दिस यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस पेज यहां पर यू विल हैव टू पुट योर लोकेशन

अवेलेबल एस सेंटर रिमोट ऑन डिमांड सी बी वी आर नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री सो ठीक है हमें वो चेक करना पड़ेगा फ्रॉम विच एवर कंट्री वी आर क्या आर वी अलाउड फॉर अ रिमोट बेस्ड एग्जाम ओके सो एज अलेक्टेड इंडिया इंडिया में मुझे ये ऑप्शन मिला था सो नाउ आई टेल यू हाउ कैन बी बुक अ एग्जाम सो आई हैव टू क्लिक ऑन बुक ऑन रिमोट एग्जाम जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक पेज खुलेगा दिस इज़ पेमेंट पोर्टल फॉर ए सी सी एग्जाम यहाँ हमें बताया जाएगा दैट वी कैन ओनली गिव रिमोट एग्जाम पेपर लाइक अगर हम एफ आई ए रूट से जा रहे हैं फाउंडेशन से सो फर्स्ट सेवन पेपर्स ही हम दे सकते हैं नॉलेज लेवल के एंड अगर हम ए सी सी क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज लेवल एग्जाम फर्स्ट फोर पेपर्स ही हैं जो हम ऑनलाइन दे सकते हैं ओके सो यहाँ पे जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल इफ हैव टू गि एफ एग्जाम सो वॉट आई डू आई क्लिक ऑन स्टार्ट जब मैं यहाँ करूँगा यहाँ मुझसे पूछेंगे फर्स्टली कि क्या मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ या आई लेवल का दिस इज़ दी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज बिकॉज if you are from FIA route, then, then you will have to select this option. And if you are from ACCA route, then you will have to select this option. This is most important. बहुत सारे बच्चों का exams cancel हो जाता है उनकी fees waste हो जाती है time waste होता है just because वो यहाँ पर सही option नहीं choose करते Because F1, F2, F3 foundation फाउंडेशन में भी है और क्वालिफिकेशन में भी है तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा तुम किस रूट से हो और अगर तुम्हें ये नहीं पता तुम अपने ए अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके एंड वहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस पॉइंट uh, के स्टूडेंट हो फाउंडेशन के ए सी ए के तो जैसे मैंने यहाँ पे ए सी सिलेक्ट किया एंड आई नाइक्रिक ऑन प्रोसीड इसके बाद मुझे बताया कि कौन कौन से एग्जाम्स में दे सकता हूँ वो मैंने पहले भी पढ़ लिया था ओके देन द क्लिक ऑन प्रोसीड अगेन एक बार पढ़ लेना बाकी सब कुछ जो लिखा हुआ था उसके बाद आता है पी नोट ये सारा जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड एक बार पढ़ लेना इसको ठीक है वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि हमें हमेशा चीज़ पढ़नी चाहिए हमें प्रैक्टिकली भी चीज़ों का पता चलता है और हमें नॉलेज भी मिलती है कि वो क्या कह रहे हैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन आई आई कंसेंट टू बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग एंड आई ऑन प्रोसीड यहाँ पे आके देन अगेन वो मुझसे कुछ कंडीशंस वगैरह बता रहा है और मुझे बता रहा है इसको कंफर्म करने को जैसे प्री एग्जाम चेक कंफर्मेशन कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है इसको आई कैन जस्ट क्लिक ऑन टिक पढ़ लेना एक बार कुछ ऐसा खास स्पेसिफिक नहीं है देन डिवाइस स्पेसिफिकेशन जैसा मैंने बताया था कि अगर मेरा डिवाइस मीट कर रहा है मिनिमम क्राइटेरिया मेरे पास सिस्टम है जिसमें विंडोज 10 है सब कुछ जैसा लिखा हुआ है देन आई क्लिक ऑन दिस देन चेक इफ यू कैन रन इन विजिलेटर सॉफ्टवेयर इसको क्लिक करना एक सॉफ्टवेयर रन होगा अगर वो रन हो रहा है तो तुम इसको टिक करना अदरवाइज रन नहीं हो रहा दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर रिमोट बेस्ड एग्जाम बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है क्लिक है एंड ये कुछ सिंपल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और समथिंग जस्ट क्लिक दिस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना एंड एल क्रिक ऑन प्रोसीड नेक्स्ट अगर मेरी एज 18 से कम है सो दे आर आस्किंग फॉर माई पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस इंफॉर्मेशन और अगर उससे ऊपर है तो ऑफकॉर्स मैं इस चीज़ को स्किप कर दूंगा ठीक है आई डिक्लेयर बिलो दैट आई एम द एज फॉलिंग ठीक है इसमें इसको छोड़ देते हैं उसके बाद स्पेशल अरेंजमेंट कोई स्पेशल अरेंजमेंट जस्ट स्किप दिस पार्ट ओके okay, मुझे डिक्लेरेशन देना है डिक्लेरेशन प्रोसीड इसके बाद यहां पे मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरा एसीसी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है मैं इस स्टेप के आगे नहीं जा पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव अ एसीसी रजिस्ट्रेशन नंबर और मैं किसी का डाल के ये चीज़ फिल नहीं करना चाहता बिकॉज उसका फिर जो एग्जाम है वो हाफ बुक हो जाएगा ठीक so, है सो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन ए सी की डालनी है एसीसी का नंबर सारी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमसे पूछी गई है ई मेल बिल्कुल प्रॉपर डालना अपना जिस ई मेल आई पे बिकॉज बहुत सारे कम्युनिकेशन तुम्हारे को से आएंगे और वो इसी ई मेल आई पे आएंगे तो प्रॉपर अपनी ई मेल आई डालना ठीक है ये डालने के बाद तुम यहाँ पे अपना एग्जाम चूज करो जैसे मैंने एफ ए चूज कराए एंड उसके बाद अगर तो इफ आई एम फ्रॉम लाइक लर्निंग पार्टनर के थ्रू मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आई कैन आस्क माई लर्निंग पार्टनर टू प्रोवाइड माई कोड यहाँ पे येस yes करके मैं कोड मांग लूंगा अगर लर्निंग पार्टनर नहीं है मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूं तो आई कैन स्किप दिस पार्ट यू कैन स्किप दिस पार्ट ठीक है एंड इफ आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाऊंगा तो मैं यहीं बता देता हूं क्या होगा वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड उसके बाद ऑप्शन आएगा टू पे फॉर द एग्जाम ठीक है एंड वेन यू पे फॉर द एग्जाम वहां पर बोला जाएगा कि यू कैन यूज इधर वीजा और मास्टर कार्ड और कोई ऑप्शन नहीं है कुछ बैंक ऐसे हैं जब तुम वहाँ से अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलते हो डेबिट कार्ड लेते हो यू डोंट हैव इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेटेड तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुम पेमेंट ही नहीं कर पाते पेमेंट कैंसिल हो जाती है तो अपने बैंक को बोलना कि प्लीज एक्टिवेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स वो कर देंगे देर आर नो चार्जेस फॉर दैट बट वो एक्टिवेशन कराना पड़ता है वो एक्टिवेट करा दोगे उसके बाद योर कार्ड विल वर्क हेयर ठीक है उसके बाद वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड एंड तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी दैट मीन्स तुमने एग्जाम बुक करा दिया अब एग्जाम बुक कराने के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ सो एग्ज़ाम बुक कराने के बाद यू विल गेट अ ईमेल फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल तुम्हारी ई मेल में एक मेल आएगी और अगर इनकेस तुम्हें वो मेल नहीं दिखती यू कैन चेक योर स्पैम स्पैम फोल्डर ये तुम एक आधे दिन वेट कर सकते हो इस ई मेल की एक दो दिन तो एक चीज़ याद रखना गाइस जिस दिन तुम अपने एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करा रहे हो ठीक है उसके साथ एग्जाम की पेमेंट कर रहे हो तुम उसके सात दिन बाद ही अपना एग्जाम बुक करा सकते हो ऐसा नहीं है मैंने पेमेंट आज करी तो मैं एग्जाम कल बुक करा लूंगा नो इफ आई पेड फॉर टुडे एंड मैं रजिस्ट्रेशन आज करा रहा हूं तो आफ्टर सेवन डेज आई कैन अपीयर फॉर द एग्जाम ठीक है तो मुझे एक ऐसी मेल आएगी इस मेल में लिखा होगा मेरा नाम मैंने वो सारी डिटेल्स हटाई हुई है अभी बिकॉज ये किसी स्टूडेंट की थी आई विल रिसीव अ ई मेल लाइक दिस और यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा मेरे पेमेंट का रेफरेंस भी दिया होगा कंफर्मेशन और साथ ही यहाँ लिखा होगा टू फिनिश योर बुकिंग कंप्लीट ऑल स्टेप्स इन फॉलोइंग लिंक तो हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पे क्लिक करके अपना एग्जाम फाइनल बुक करना होगा बेसिकली जहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को किस टाइम पे हमने अपना एग्जाम देना है तो मैं काम करता हूँ आई क्लिक ऑन दिस जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो एक ऐसा पेज खुलेगा दिस इज प्रॉक्टर यू एग्जाम इन्विटेशन सो बेसिकली इंडिया में जो हमारा पार्टनर है जिसके थ्रू हम एग्जाम दे सकते हैं रिमोट बेस्ड एग्जाम दैट इज़ प्रॉक्टर यू सो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है इफ़ यू आर गिविंग एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू हैव टू साइन अप एंड एक्सेप्ट अ न्यू यूजर एग्रीमेंट एंड इफ यू हैव ऑलरेडी प्रॉक्टर अकाउंट तो तुम्हें तो सारा प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट पता ही होगा है न तो नहीं इन एनी वेज अगर है तो यू कैन डायरेक्टली साइन इन एंड एक्सेप्ट दी एक्स्टिंग यूजर इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए जैसे तुमने क्या किया तुमने तुम्हारा अकाउंट इसमें नहीं था तुमने इस पर अपना साइन अप करा साइनअप करने के बाद अगेन ऑन दैट पेज वेन यू क्लिक यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहां पर एक्सेप्ट विद्जिस्टिंग अकाउंट जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो पहले तुम्हें यहां पर प्रॉक्टर का यूजर आई डी पासवर्ड डालना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद तुम्हारे को एसीए का यूजर आई डी पासवर्ड यहां पर डालने पड़ेंगे और जैसे ही तुम दोनों यूजर आई डी पासवर्ड डालोगे यू विल सी पेज लाइक दिस समथिंग लाइक दिस तुम्हारे को पेज मिलेगा जहां पर लिखा होगा कि स्केड्यूल योर सेशन क्योंकि तुमने ऑलरेडी एग्जाम के लिए पे कर दिया है इन दिस केस दे विल बी आस्किंग यू के तुम्हें अपना एग्जाम जैसे यहां पे अकाउंटिंग इन बिजनेस के लिए एग्जाम देना है तो तुम्हें सिलेक्ट करना है किस डेट को किस टाइम पे सारे स्लॉट्स अवेलेबल है रिमोट के लिए विच यू कैन गिव तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्लॉट बेटर लगा टाइम ध्यान रखना है यहां पर इलेवन फिफ्टी पी रात के साढ़े बजे टाइम बहुत ध्यान रखना कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इलेवन देखते हैं 11:50 देख के सिलेक्ट कर देते हैं बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो क्या कह रहे हैं ऐसा ना हो यहां पे सुबह के एक बजे भी हो ऐसा मत करना ठीक है तो यहां पे जैसे 11:50 फिफ्टी पी है जैसे मुझे 12:30 थर्टी एम टाइम ठीक लगा तो 12:30 थर्टी एम पे मैंने सिलेक्ट करा जब मैं सिलेक्ट करूंगा इसको अगेन मुझसे पूछा जाएगा कन्फर्म एंड वेन आई कन्फर्म तो मेरा ऐसा पेज खुल जाएगा कि योर ऑर्डर बहुत सक्सेसफुल आपका एग्जाम बुक हो चुका है कि इस डेट का आपका फाइनल एग्जाम बुक हो चुका है ओके एंड उसके बाद ऐसा पेज खुलेगा प्रॉक्टर का

टेस्ट योर इक्विपमेंट एक बार अपनी इक्विपमेंट टेस्ट जरूर कर लेना ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हालांकि तुमने चाहे सिस्टम मीट भी कर लिया हो बट यहां से टेस्ट योर इक्विपमेंट कर लेना चार अलग अलग ऑप्शन आएंगे कंप्यूटर का माइक्रोफोन का कैमरा का और इंटरनेट का चारों टिक हो गए दैट मीन तुम्हारा सिस्टम पूरा एक्यूरेट है अब ये करने के बाद जब तुम एग्जाम बुक करा देते हो सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है देन अगेन यू रिसीव अ ईमेल फ्रॉम ए थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स वो ई मेल पर लिखेंगे हेलो दिस तुम्हारा नाम यू हैव एन अपकमिंग टेस्ट ये थोड़ी ई मेल्स अलग हैं और एग्जाम अलग है तो प्लीज डोंट माइंड ये मैंने अलग अलग जगहों से इन्फॉर्मेशन ली है तो अपकमिंग टेस्ट इस डेट को तुम्हारा एग्जाम है सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा उसके बाद तुम्हें सारा बताया जाएगा कि यू कैन लॉग इन टू प्रॉक्टर यू विद योर यूजर नेम पासवर्ड यूजर नेम यहाँ पे लिखा होगा तुम्हारा इफ़ यू डोंट रिमेंबर तो आप रीसेट कर सकते हो ठीक है ये सारे यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ दी हुई है एवरीथिंग इज रिटर्न देयर एक इंपॉर्टेंट चीज जो लिखी होगी वो होगी ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्लीज नोट दैट यू विल नीड टू डाउनलोड ए सी सी एग्जाम डिलीवरी सॉफ्टवेयर इन एडवांस ऑफ सिटिंग योर एग्जाम ए विल सेंड यू लॉग इन डिटेल्स टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर डायरेक्टली टू यू वाया ई मेल टू टू थ्री डेज इन एडवांस ऑफ सिटिंग योर एग्जाम इसका मतलब क्या है कि तुम्हें एग्जाम देने से पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा विच इज मैंडेटरी फॉर यू और ये डाउनलोड करने के लिए एग्जाम से दो से तीन दिन पहले तुम्हें एक मेल आएगी मैं उसका भी फॉर्मेट दिखाऊंगा एक मेल आएगी जिस ई में तुम्हारे को एक कोड आएगा वो कोड यूज करके इस लिंक पे क्लिक करके आई शो यू जब तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे वो कोड आने के बाद तो ऐसा पेज खुलेगा जिसमें तुम्हें एसी रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी टोकन आई जो वहां लिखी होगी वो डालनी होगी एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर तुम्हें सिर्फ डाउनलोड करना एक बार रन कर लेना और बाद में क्लोज कर देना अभी ये 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 सॉफ्टवेयर का तुम्हें कोई यूज नहीं करना ये सिर्फ करना सिर्फ डाउनलोड है एग्जाम टाइम में काम आएगा और इसका तुम्हारे को कुछ नहीं करना है सब तुम्हारा प्रॉक्टर करेगा ठीक है लेकिन तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अब तुम कहोगे कि सर टोकन आई कब आएगी अभी तो मेरे को सिर्फ मेल में लिखा हुआ टोकन आई तो आई नहीं है तो क्या होगा एग्जाम से दो से तीन दिन पहले यू विल रिसीव अ मेल लाइक दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन from ए सी सी तुम्हारा रिमोट इन्फेशन के लिए स्टूडेंट नेम एग्जाम नेम और यहाँ पे तुम्हारी आएगी टोकन आईडी। इस टोकन आईडी को यूज करके ये मेल तुम्हारे को एग्जाम से दो दिन पहले आएगी इस टोकन आईडी को यूज करके अपनी प्रीवियस मेल जो ए की होगी उसमें यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक डाउनलोड ए एग्जाम डिलीवरी सॉफ्टवेयर और यहाँ से वो सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड करोगे ठीक है अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया ठीक है और क्या करना है इसके बाद तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम्हें पढ़ना है तुम्हें ऑन एग्जाम डेट पे क्या क्या चीजें हैं ये सारी एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेना दिस इंफॉर्मेशन कीप्स ऑन अपडेटिंग ठीक है टाइमली तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना होगा क्या जब अब फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे यहाँ पे काउंट चल रहा था ये जो काउंट वाली डेट है जब यहाँ पे तुम्हारा काउंट खत्म हो जाएगा और एग्जाम टाइम आ जाएगा देन यू विल सी एन ऑप्शन स्टार्ट सेशन ठीक है ऑफकोर्स मैं उसकी वीडियो नहीं दिखा सकता बिकॉज अभी स्टार्ट सेशन वाला ऐसा कुछ नहीं ऑप्शन तो व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट सेशन उसके बाद क्या होगा एक प्रॉक्टर आएगा एक प्रॉक्टर एक यहाँ पे एक पेज खुलेगा जिसके अंदर प्रॉक्टर तुम्हारे से चैट करेगा ही आस्क यू कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है तुम्हारे को जब तुम आ, आ, एक्सटेंशन क्रोम यूज़ करोगे यू विल गेट यहाँ पे एक ऑप्शन के पॉपअप आएगा उस पॉपअप को एक्सेप्ट करो वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा साथ साथ जो भी पॉपअप आए यूज माइक्रोफोन यूज़ कैमरा सब कुछ उसको एक्सेप्ट करते रहना कुछ भी डिनाई मत करना क्योंकि वो सब एग्जाम के लिए होगा ठीक है वो सब करने के बाद प्रॉक्टर विल आस्क यू कि तुम उसको अपना रूम एक बार पूरा चेक कराओ तो वो तुमको बोलेगा अपने पी के आगे पीछे दाएं बाएं फ्रंट बैक लेफ्ट राइट right, दोनों साइड की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन दो सो इफ यू हैव अ लैपटॉप वो बोलेगा लैपटॉप घुमा के दिखाओ पूरा और इफ़ यू हैव अ पीसी और अ वेब कैम तो वो बोलेगा वेब पकड़ के घुमा दो और अगर इस तुम्हारा जो वेब कैम है वो फिक्स है तो तुम्हें वो क्या बोलेगा कि तुम अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करो कैमरा ऑन करके वेब के आगे रखो और अपना मोबाइल घुमाओ ताकि उसको कैमरे में सब कुछ दिख जाए कि आगे पीछे क्या है और ही माइट पिक्चर क्लिक करके उसको दिखाओ तो जैसी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई थी कि प्रोक्टर वो पिक्चर्स तुमसे वेरीफाई कर सकता है रूम की आगे पीछे हर तरीके की ठीक है ये करने के बाद देन प्रॉक्टर विल आस्क यू कि वो तुम्हारे सिस्टम का पूरा एक्सेस लेगा दैट मीन ही माउस वगैरह सब कुछ वो यूज करेगा ही विल रन दैट सॉफ्टवेयर जो एसी सी ए का सॉफ्टवेयर है या हो सकता है वो तुम्हें बोले वो सॉफ्टवेयर रन करेगा उसके बाद जैसा जब हम एक सेंटर बेस जब तुमने ए सीसीए का कोई भी मॉक दिया होगा बिल्कुल उसी तरह तुम्हारा सिस्टम खुल जाएगा एंड तुम अपना एग्जाम दे पाओगे ठीक है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट जब तुम अपना एग्जाम दे रहे हो सिर्फ प्रोक्टर वाला और कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए वैसे प्रॉक्टर सब कुछ कर लेगा बट स्टिल कोई भी फालतू का सॉफ्टवेयर कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए कुछ भी चालाकी हमें नहीं करनी है वी हैव टू बी वेरी जेन्युअन कुछ भी गलती हुई या कुछ भी चालाकी हमने करी तो हो सकता है हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाए और हमारे पैसे भी ब्लॉक हो जाए ठीक है तो प्लीज मेक श्योर डू नॉट चीट पूरा अच्छे से एग्जाम देना एंड दैट इज द थिंग इसके बाद और कुछ भी नहीं है इसके बाद यू कैन गिव योर एग्जाम एग्जाम देने के बाद विद इन टेन टू फिफ्टीन मिनट या आई थिंक

तो रिमोट बेस्ड एग्जाम का एक फायदा यह है कि यू कैन री स्केड और एग्जाम बिल्कुल ऑन दिस सेकेंड लास्ट डे एज वेल जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था इस पेज पे तुम्हारे पास री स्केड्यूल का ऑप्शन है ये ऑप्शन तुम एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको चेंज कर सकते हो कोई इशू नहीं है यू कैन डू दैट ठीक है बट आई वुड से इन सब फालतू की चीजों में मत पड़ना बी वेरी जेन्युइन एंड बी स्पेसिफिक तुम्हें किस स्टेट को एग्जाम देना है सो दिस इज इज गाइड दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर जो भी मैंने बताया है वो लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एक्चुअली क्लिक ऑन लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड नोन ठीक है चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अल्टीमेट टाइम